ये मखमली गद्दे नहीं होंगे, ये महल नहीं होंगे, पेड़ों के नीचे, झोपड़ियों के नीचे 14 वर्ष गुजारने हैं, ऊंची नीची धरा, कंकड़ कांटे पैरों में चुभे। तो मां सीता ने कहा कि लगता अब तो आप मेरी परीक्षा ही ले रहे। 4 चीजों की पहचान कब होगी? अरे लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे, आपत्ति में जो आपके साथ खड़ा हो दुनिया में समझ लो वही आपका मन, आपत्ति परेशानी में जो आपका साथ दे दे समझ लेना इससे बढ़िया दुनिया में मेरा कोई ऐसी नहीं। फिर सीता माँ ने कहा कि लगता है तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, और 4 चीजों की पहचान का वो ये धीरज धर्म मेरे और ना घर में मीति और नारी आर घर में मीति और नारी आपत्ति काल पर जाए और आपत्ति काल पर ही हो जाए। बनी के साथ तो हजारों है, अरे परेशान है मैं, कितने कष्ट कितनी परेशानियां, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं होगी। और चलो सुनो ध्यान से क्या, कि साथी चलूंगी आप ही के संगी में, मान लो मेरा कहना पति के उस पत्नी को दुख पड़ता है।
ऐसे रहो जैसे दो मित्र सुख दुख में एक दूसरे को समझे पर समझाने में कोमल होते हैं। कम बोलो मीठा बोलो, ये जीवन कलसुत में बोलने के कारण ज्यादा बोलता है। एक नौजवान की शादी हुई, दुल्हन घर में आई, छठे दिन कहता सुनती हो क्या कि तेरे मायके वालों की सोच बड़ी बढ़िया, कितना बढ़िया प्रोग्राम शुरू किया। इसने कहा 6 दिन के बाद ही शुरू हो गया है। कैसे? कि उन्होंने फ्री बड़ा घटिया दिया और LCD भी घटिया, कपड़े सब घटिया, बारात को खाना घटिया, बर्तन भाड़े सारे घटिया, जो कुछ सब घटिया। मुझे बड़ा ताज्जुब होता, इतनी सोच घटिया। सुनती रही सुनती रही, अंदर अंदर भुगती रही, बड़ी आंख लगी अंदर पर संभाले रही। और फिर कहती आप ठीक है क्यों, मेरे मायके वालों की वास्तव में बड़ी घटिया सोच है। तो कहता इसलिए तो कह रहा हूं। तो फिर कहती है सुनो अगली बात, तभी तो तेरे जैसे घटिया को पसंद किया। सोच अगर घटिया नहीं होती तेरे जैसे पसंद करते, इसे बोलना नहीं आता। एक और बाबूजी है, शादी हुई दुल्हन घर में आई, इंटरव्यू था भोजन बनाने, बनवा सब्जी बनवाई, काली उड़द की दाल बनवाई, उसमें पंकड़ जल गए जाते हैं, विचार बनाई उसने बीन बांध के, लेकिन थाली सजाए सब कुछ अपने पति को दे, उसके साथ ज्यादा रहना है। बस इसने रोटी में प्रोग्राम पहले दाल से शुरू किया, काफी चम्मच से दाल रखे, जैसी मुख में रखा पहले नंबर पे कंकड़ आ गया और जो मुंह चलाया तो कट तल गया। और फिर प्रेशर से कहता भगवान ने 2 आंखें दी है फिर भी अंधी है, चमके नहीं कंकड़, कंकड़ ने भी नहीं गए, ऐसे ही दाल बन गए। तो इसने कहा इतना दुखी क्यों होता है, मेरी 2 आंखें फिर भी अंधी, पर भगवान ने तेरे को 32 दांत दिए, एक कंकड़ नहीं पिसा, 30 अगर 30।